अरे आप इधर बैठो, वो उधर आराम से उधर देखो शीशा। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, मेरे को ना जोक्स मारना बहुत पसंद है, कुछ मेरे को टिप्स बताओ ना, कॉमेडी कैसे करते हैं बताओ ना मेरे को जरा। शिमारो के ऑफिस में बैठ के टिप्स की बातें नहीं करते। अरे सर टिप्स कौन आप? अच्छा हाँ कौन आप? क्या जोक मारते हो? स्टैंड अप करना बड़ा मुश्किल काम है। स्टैंड अप करने के लिए सबसे पहले आदमी को जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, आदमी को अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है। स्टैंड अप करने के लिए आदमी को अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक ही क्वालिटी में पास होते हो तुम, समझ रहे हो? स्टैंड अप अगर करना है तो ज़िंदगी में लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड है? नहीं। छोड़ के चली गई? हाँ। दोस्त ले गया? अरिजीत के गाने सुनते हो? हाँ। घंटा बनोगे स्टैंड अप कॉमेडियन? जो तुम्हारी आइटम तुम्हारा दोस्त ले गया, कहाँ सेट हुई फिर वो? दूध वाले के साथ जोक। यार बड़ा मुश्किल काम है, देखो कॉमेडी करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। अपने जोक खुद लिखने पड़ते हैं। लिख लेते हो? हाँ। सुनाओ कुछ। तो बंटी एक बार छतरी लेने गया, बंटी के पापा ने लिए थे तो बंटी आता ही नहीं है ना। जोक में कोई बंटी नहीं होता, जोक में सिर्फ तुम होते हो। अपनी बेइज्जती करना सीखो, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज़ होती है ना, उसको दिन में 15-16 बार चक्कू मारा करो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे मैं शक्ल से गरीब लगता हूँ? सर अभी सच बताऊंगा तो। यही तो बात है, डरना नहीं है। नहीं। चाहे सामने शाहरुख खान बैठा हो, हाँ। बोल दो, आपको तो आपकी मिमिक्री बकरी भी कर लेती, बोल दो। क्या हो ज्यादा ज्यादा गुस्सा कर लेंगे तो फिर बाद में माफी मांग लो, जैसे कैमरा बंद होता है। डरना नहीं है। बताओ मैं शक्ल से गरीब लगता हूँ? बिल्कुल। सोचो मैं गरीब लगता हूँ तो तुम कैसे लगते होगे फिर? फिर बेइज्जती कर रहे हो सर। यही तो करना है। अरे क्रिएटिव लोग पता कौन होते हैं? हाँ। कौन होते हैं? जो ऐसे बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते हैं। कभी किसी शूटिंग पे गए हो? वहां देखा, वहां 3-4 अजीब से लोग हाथ में डाइट कोक और सिगरेट पकड़ के घूम रहे होते हैं, बिना किसी बात के गुस्से में, जिनको कुछ नहीं समझ में आता स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। हीरो की शर्ट चेंज करा देंगे, ये हमारे सेटअप के साथ नहीं जा रही। वो होते हैं क्रिएटिव लोग। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है? क्रिएटिव लोग नहीं, तुम खुद। यही तो बात है। तो मुझे क्रिएटिव बनने के लिए एक सिगरेट, एक डाइट कोक और एक शर्ट पहनना पड़ेगा। तुम्हारे पास तीनों में सिर्फ एक का बजट है और वो है सिगरेट। ना डाइट कोक का है ना शर्ट का है। देखो कॉमेडी तो सही मारते हो। मैं बहुत सही मारता हूँ चोट, तुमको पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। देखो ह्यूमर बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी के बस का नहीं है। हिंदुस्तान में कितने शेर हैं? टाइगर कितने बचे हैं? एक ही आपके सामने बैठा है। जोक्स। एक सेकंड। हेलो, वो एक ही बचा, इसको भी मारो। इसके लिए तुमने ऐसा किया, टाइगर बचाओ टाइगर बचाओ। कितने बचे टाइगर? 200-300 बोल सकते हैं। कॉमेडी करने के लिए सबसे पहले बेशरम होना पड़ता है। जब तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिले पूछते रहो कितने टाइगर बचे हैं। 400-500 बचे। कितने बचे हैं? 1000 बचे। तुम इंजीनियरिंग में फेल हुए हो कि जिंदगी में फेल हुए हो? सर दोनों में ही फेल हो रहा हूँ और अभी कॉमेडी में भी फेल हो रहा हूँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं होस्ट ही कर लेता हूँ कोई कॉमेडी शो। अच्छा तुमको क्या लगता है कि कॉमेडी मुश्किल है होस्टिंग आसान है? नहीं वो मैं कर सकता हूँ ना, अब मेरे को लग रहा है मैं वो कर सकता हूँ। होस्ट बनना है तुमको? जी। बोलो हाय, मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? भाविक। आधा घंटा हो गया बकचोदी करते, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बनोगे? कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से, जहाँ पे हम हैं अभी। और घर में कौन कौन है? घर में माँ है, बाप है, बहन है, माँ बाप है। भाई? नहीं, भाई नहीं। जब एक सैंपल खराब हो तो दूसरा ट्राई भी नहीं करते क्या? कॉमेडियन बनना है? नहीं बनना। नहीं बनना। कोशिश करो बन जाओगे, हम भी बन ही गए। कॉमेडियन कोई भी बन सकता है। तो चलते रहो।
चलते रहो। देखो मानो मैं कॉमेडियन, लोग ऐसे नहीं ऐसे, तुमको क्या लेना देना। यूट्यूब पे वीडियो डालो, नीचे लाइक आएंगे, कमेंट मत पढ़ो, पता है कमेंट में गालियाँ होती हैं, मत पढ़ो। मानो अपने आप को कॉमेडियन हो, मानती है दुनिया। तो कॉमेडियन बनने के लिए फिर गाली भी खानी है? वो तो खानी पड़ेगी, राहुल गांधी नहीं खाता कॉमेडियन है। फिर जी तो गाली, सिगरेट, डाइट कोक और एक शर्ट जुगाड़ करना पड़ेगा। बैठे चाय भी मंगा दो। ये लो थोड़ी सी बची है, तुम भी पी लो। ये लो चार बिस्किट भी बचे हैं, पी लो तुम भी। ये जिंदगी कॉमेडियन की बनो तुम भी। ये लो ये देखो, 1.5 साल से एक लड़की को मैसेज कर रहा हूँ। ये लो, सीन करके रिप्लाई नहीं करती। बनना कॉमेडियन? जोक दर्द से ही बनते हैं सर। हैं? जोक्स दर्द से ही बनते हैं। जोक दर्द से बनते हैं? तो तुम्हारे जैसे चूतिये कैसे बनते हैं? आपने सिखाया मेरे को। तुमको किसी ने बोला नहीं कि मना करते हैं जब कोई चीज दे खाने के लिए? आपने ऑफर क्यों खा लिया? अरे ये लो एक और खाओ। अरे खाओ, हम तो ऐसे ही खा। अरे चाय भी पियो। अरे पियो पियो, कॉमेडियन बनना है, पियो। और ये रखो जेब में, आधे पैसे दे के इसमें बिस्किट भरवा लेना, बोल देना मेरे पास अपना प्लास्टिक है। वैसे भी आजकल कहाँ मिलता है, बोलते हैं ना थैली लाए हो। 5,000 देना पड़ेगा। किसका? प्लास्टिक का। अरे नहीं, कहाँ 5,000 देना पड़ेगा, बोलते ना सामान लेने जाओगे प्लास्टिक लाए, बिस्किट लेने आना बोलेगा, रैपर बोले है मेरे पास। ठीक है तो मैं चलूं? नहीं बैठो, आप बैठो घर में। मैं चलता हूँ। अरे बैठो। अरे सर मैं चलता। अरे आप बैठो, ये सारा घर आपका, आप बैठो आराम से, कोई आया तो बोलना उसको निकाल दिया। ठीक है, कर रहा हूं अभी। हाँ इधर आप बैठो, आप इधर बैठो, वो उधर आराम से उधर देखो शीशा। कॉमेडी स्टूडियो ShemarooMe एक एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर सारे एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। वॉच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू सोशल कैचअप on Instagram, YouTube, everywhere. These guys are everywhere. I'm telling you. सड़क पे भी मिल जाएंगे आपको, इधर उधर घूमते हाथ में कैमरे लेके, they are everywhere.